37% लोगों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ उत्पीड़न, सर्वे के आंकड़े आंखें खोलने वाले। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज पर। हालिया सर्वे में पता चला है कि 37% नागरिकों को फ्लाइट, ट्रेन और बसों सहित अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हाथापाई उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में पता चला है कि लगभग 70% लोगों को लगता है कि जागरूकता अभियान, चलान और जुर्माने से इस उत्पीड़न को कम किया जा सकता है। वहीं 55% लोगों ने इस तरह की घटनाओं का सामना किए जाने से साफ इनकार किया है। इसके अलावा 7% लोगों ने कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। जिन लोगों ने इस तरह के व्यवहार का अनुभव किया उनमें 10% ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले 3 सालों में ऐसी घटनाओं को 4 से 6 बार देखा या अनुभव किया। सर्वे में पता चला है कि 16% ने 2 से 3 बार संकेत दिया और 11% ने 1 बार संकेत दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दुर्व्यवहार या अनियंत्रित व्यवहार कितना आम है, इसे समझने के लिए लोकल सर्कल्स ने एक राष्ट्रीय सर्वे किया। सर्वे में भारत के 321 जिलों में स्थित नागरिकों से 20,000 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिली हैं। सर्वे में 67% पुरुष थे जबकि 34% महिलाएं थी। लोकल सर्कल्स के एक बयान में कहा गया है कि सर्वे में 47% टीयर 1 से 34% टीयर 2 से और 19% उत्तरदाता टीयर 3 से 4 और ग्रामीण जिलों में थे। कुल 59% ने आशा व्यक्त की है कि इस तरह के कदम से स्थिति में सुधार हो सकता है। सर्वे के आंकड़ों से पता चलता है कि 46% लोग इस कार्रवाई को लेकर काफी निश्चित हैं, जबकि 23% लोगों को लगता है कि इसका कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव जरूर होगा। वहीं 11% को कोई उम्मीद नहीं है कि जागरूकता अभियानों और कड़ी सजा, जुर्माने से कुछ बदलाव हो सकता है, जबकि 16% को लगता है कि इस तरह का कदम तभी काम आएगा जब सख्त सजा और जुर्माना लागू किया जाएगा, और 4% लोगों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।